सो हे गाइस, मैं नाम है रॉबिन और आप देख रहे हैं रॉबिन ब्लॉग। सो आज का बेसिकली हमारा काम दो है, एक तो इसमें पेट्रोल डालना है और दूसरा मेरे को मेरा हेयर कट करना है। हेयर कट ही जब नॉर्मल सैलून में करता हूँ क्योंकि जस्ट बिकॉज नॉर्मल सैलून है, बट उनका काम बहुत अच्छा है एंड वो कैसा मेरे बाल पे सेट हो गया उनका हाथ, तो उनको सब पता है कि मैं हेयर कैसा कट करता हूँ, क्या है मेरा स्टाइल, उनको सब कुछ पता है। तो वहाँ पे जाके हेयर कट करेंगे, सबसे पहले इसको पेट्रोल डालेंगे, फिर तब तक मैं ये गाड़ी का पिकअप इंजॉय करता हूँ। बट ये जो गाड़ी का स्पीड एंड पिकअप है, पाक, दिस इज कम्प्लीटली रॉ पावर मशीन, तब क्या ही बोलूँ इस गाड़ी के बारे में। तो सेकेंड थर्ड गियर पे विली उठती है गाड़ी एंड टॉप स्पीड एंड स्पीड में इसको कोई गाड़ी पकड़ नहीं पाती है अंडर 400 cc, क्योंकि मेरे पास है BS6 ड्यूक 390, वो तक इसको टच नहीं कर पाती है। तो फिर ये BS, तो फिर क्या ही बोल, जब मेरे पास ड्यूक ऑलरेडी 390 है एंड मेरे पास ऑलरेडी मैं एक RC ओन कर चुका हूँ, RC 390 BS3, उसका थोड़ा क्लच प्लेट का इशू था बट फिर भी स्टिल वो गाड़ी बहुत भागती थी, बट मैंने वो बेच दिया। वो बेच के मैंने BS3 ड्यूक लिया जस्ट बिकॉज ऑफ विली, क्योंकि मेरे को विली माना बहुत पसंद है एंड वो बाइक लेके मैं विली नहीं मार सकता, तो बहुत सारे रीज़न थे वो बाइक बेचने के। तो अभी हेयर कट करना है मेरे को यहाँ, बट पहला इसको पेट्रोल डालूंगा जाके, तब मैं ओ फक, अभी डोंट टेल मी कि ये बंद है। एक्चुअली मैंने जिनसे गाड़ी ली है उनके तरफ से मीटर ख़राब मिला मेरे को, क्योंकि जो भी था डील फाइनल हुआ था वो मेरी 390 देके ये बाइक लेने के लिए। ये बाइक में ज़्यादा सारा तीन काम है एंड तीन काम ये है कि एक स्पीडोमीटर एंड ऑयल सील आजू बाजू का एंड कौन सेट, ये तीन काम है बाइक में। बट सबसे महंगा काम है स्पीडोमीटर का ऑब्वियसली, क्योंकि स्पीडोमीटर ही 5-6 हज़ार का आता है इसका ड्यूक 390 का, एंड ऑयल सील तो 1000-1000 रुपये का आता है। चलो कोई बड़ी बात नहीं, बट मीटर बहुत महंगा है इसका, तो देखना है पावर इसका चेक करना है। बट आगे रिक्शा है क्या चेक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि व्हीली मारता तो कैसे इस गाड़ी में व्हीली एकदम स्पीडली जाती है, तो स्पीडली रोड से एकदम खाली है लंबा एंड बेसिकली ऐसे इस रोड पे व्हीली उठाना नहीं चाहिए, बट स्टिल मेरी आदत सी हो गई है पता नहीं, क्योंकि जस्ट बिकॉज अगर ब्रेकिंग कंट्रोल हो गया आपको व्हीली में तो सब कुछ हो गया आपका। ब्रेकिंग कंट्रोल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर व्हीली। देख रहे हो पावर सेकंड गियर, सीरियसली सेकंड गियर एंड इतनी स्मूथली उठती है सेकंड गियर कि हमको पुल करने की गरज ही नहीं है इसको, कि हम लोग की प्रेशर डाले उठाने के लिए, इसमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सेकंड डालो क्लच छोड़ो रेस दो गाड़ी खुद ब खुद निकलेगी आगे। बट एक स्टिल लग, जब तक पीछे का ब्रेक का कंट्रोल नहीं है आपको तो व्हीली नहीं मारना गलती से भी एंड कहीं पब्लिक में तो व्हीली नहीं मारना एटलीस्ट वो टाइम पर, क्योंकि जस्ट बिकॉज अपना ब्रेकिंग कंट्रोल नहीं रहता है तो फिर बहुत लोचे हो जाएंगे। ये आवाज़ सुन रहे हो कौन सा एक, इस बार एकदम नॉर्मल हेयर कट करूँगा, नो स्टाइलिश नॉट कुछ, क्योंकि बहुत सारे हमारे इवेंट्स वगैरह भी करता तो वहाँ पे नॉर्मल हेयर चाहिए होता है, तो ऐसे हेयर चलते नहीं है, तो प्रोफेशनल भी ऐसे हेयर नहीं चलता। अगर शूट वगैरह हुआ तो बात अलग है, तब तो मेरे को बाल ऐसे ही रखने पड़ेंगे जैसे अब है, बट अभी कोई शूट नहीं आ रहा मेरे को फिलहाल। हेयर कट करने के लिए मेरा दोस्त आया या नहीं यहाँ पे मुझे नहीं आइडिया है।
ये है मेरे पहले के बाल जो हेलमेट लगा लगा के ख़राब हो गया। सो अभी हेयर कट करने के बाद मेरे बाल दिख रहे हैं कुछ इस तरह चोमू से, बट ठीक है। सो अभी हेयर कट कर लिया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर। अभी अगर रात को कुछ काम रहा तो बाहर निकलेगी फिर वीडियो शूट करेंगे। एंड आई होप आप ये छोटा सा ब्लॉग इंजॉय करे हो। सो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बस।